हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमा अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्रसंत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरु मां ने जीवन की अंतिम बेला में आधी व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरु मां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन कोटि कोटि वंदन। जय जिनेन्द्र बंधु, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री अणुमकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की शिष्या देव स्याही समाधिस्थ 105 गणनी आरिका रत्न गुरुमा विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद से एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस मंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय दृश्य प्रकट हो रहे हैं। आज आप देखेंगे इस महामंगल विधान के 18वें दिन के मंगलमय दृश्य को। प्रतिदिन की तरह आयोजन के 18वें दिन भी प्रातःकाल सभी भक्त भगवान आदिनाथ की मनोरम प्रतिमा जी के समक्ष पहुँचे और पूर्ण भक्ति भाव से उनका अभिषेक कर कर्मों का प्रक्षालन किया। आंतिना जी, कुंतुना जी, अरेना जी, मल्लिना जी, मुनिसर नवीना जी, नेमिना जी, पार्श्वनाथ वर्धमान भगवान की माथे जल की धारा। श्री जी के अभिषेक के उपरांत जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने धर्म की प्रभावना करते हुए मंगल प्रवचन दिए। महान भाव, हम सब कोई मनुष्य भगवान के अभिषेक करने योग्य नहीं है। इंद्रो हम निज भूषार्थम यज्ञो पवित्रम ददे मुद्रा कंकड़ शेखणा यपितता चेनाभिषेकोश्चभि। जब तक ये चार लाइनों के अनुसार आप इंद्र नहीं बनेंगे, ये यज्ञोपवित का धारण नहीं करेंगे, तब तक आप अभिषेक के अधिकारी नहीं है। महान भाव, जिनेन्द्र भगवान का पूरा जीवन काल, 2400 भगवान का 2400 पुराण पढ़े। भगवान गर्भ में किसके आए? माताओं के। भगवान ने जन्म किससे लिया? माता के। भगवान को सबसे पहले किसने गोद में उठाया? इंद्राणी ने। भगवान का अभिषेक किसने किया? सौधर्म आदि इंद्राणी ने मिलकर के, सभी देवी देवताओं ने। भगवान को उपटन किसने किया? इंद्राणियों ने वस्त्राभूषण पहनाई। अब चलिए, भगवान खेले बड़े, एक भी पुरुष उनके साथ कोई खेला हो, देव आके खेलते थे,
भगवान का, चौबीसों भगवान का एक भी कोई मित्र नहीं था कि भगवान महावीर का फलाना व्यक्ति इस संसार का कोई व्यक्ति मित्र हो। उनका मित्र वो देव लोग आते थे, वो खेलते थे। शादी किससे की? स्त्री से। और कौन उनके साथ रहा, किसने उनके साथ गमन किया, बेटा हाथ सब किया है, वो केवल स्त्री है। महान भाव। और हमने उन स्त्रियों को इन गर्भालयों से अलग कर, जिसका नाम गर्भालय और गर्भालय से स्त्री अलग हो गई। महान भाव। ये आगम की बात, इसमें कुछ लोग कुतर्क निकाल लेंगे, बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं जिनने कुतर्क ही पी रखा है, आगम को मेटने का नाम ले रखा है, वो इसमें भी कुतर्क निकाल लेंगे। लेकिन आप विवेक से सोचना कि हमें करना क्या है। हमने माताओं बहनों को 300 साल पहले इस अभिषेक से दूर रखा, इस पूजन से दूर रखा, और हुआ क्या, हमारी आबादी घटती गई। कैसे घट गई भैया? ईसा पूर्व 40 करोड़ थी, राजा हंसवर्धन के समय 16 करोड़ थी, और अकबर जैसे शासक के समय 4 करोड़ जैन समाज की आबादी थी। अब कितनी बची है? इतनी सी बची है। क्यों बची है? आपकी जो स्त्रियां हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, वो आजकल बाहर जाके पढ़ती हैं, और उनको ये संस्कार नहीं है कि आपसे कैसे करना, आपसे पूजन से तो दूर है, तो उनको कैसे, वो आपसे भी दूर चली गई, अन्य समाजों में जा जा करके, अन्य मिथ्या दृष्टियों के पास जा जा करके उनकी शादी हो गई, और धीरे धीरे आपका ह्रास होता गया, और आज ये आप मुंह ताकते हो गए कि आपके पास महिलाएं और आपके बच्चे कुंवारे बैठे हैं, और कोई बहने नहीं है, कोई स्त्री नहीं, उनसे कोई कन्या नहीं जो शादी करने को तैयार है। और आप क्या ला रहे हो, कहीं आदिवासियों की, कहीं यहां से वो कन्या ला करके शादी कर रहे हो, और जैन धर्म का पूरा मटिया मेट चल रहा है। महानुभाव, चिंतन करना, और इस चिंतन को बहुत आगे तक ले जाना। इस बात का प्रचार होना चाहिए कि हमारी माताओं बहनों को मंदिर में प्रवेश होना चाहिए, उनके द्वारा अब से एक भक्ति होगी, वो हम लोगों के साथ, अपने समाज के व्यक्तियों के साथ, बालकों के साथ अभिषेक करेंगी, बाहर तो नहीं भगेंगी, क्योंकि आजकल शादी तो 26, 27, 28 में होती है, और 27, 28 में क्या होता आप जानते हो, टीवी का जमाना, इंटरनेट का जमाना, सारा काम हो जाता है। महानुभाव, आप चिंतन करो और आगे बढ़ो, और अपनी समाज और धर्म को सुरक्षित करने के लिए ये एक संकल्प उठाओ कि आगम युग हम अपनी माताओं बहनों को अभिषेक के लिए मंदिर में प्रवेश कराएं, पूजन विधि का संस्कारित करें, जिससे हमारी संतति आगे बढ़े। बोलो अहिंसा में विश्व धर्म की जय। तदुपरांत श्रद्धालु भक्तों ने जल की धारा प्रवाहित कर पूर्ण श्रद्धा भाव से श्री जी की शांति धारा कर संपन्न की। चिन्ह मात्रा चिदानंदो चेतनो चिदवा सकला मुक्तिस्तो मुतकार संतुष्टो नरागो परमेश्वरा महादेवो महावीरो महाविनाशका महाभावो महादासी महामुक्ति बताए। शांति धारा और पूजन के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। और इसी के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्तों ने प्रभु को अर्घ द्रव्य समर्पित किए, और इसी क्रम में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से भक्ति में मग्न होकर श्री अणुकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगल नाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। मेरी सबके लिए स्वस्ति मंगल करें, तेरे चरणों में कोटि सा नमन, परिपुष्पांजलम चिपामि। माँ से बढ़कर कोई दूसरा, माँ से बढ़कर कोई दूसरा। बिहार नेचे स्वस्ति क्रिया सु परमन से योना, तथा प्रति घर गण प्रधान स्वस्ति क्रिया सु। कीरम श्रवंतो ते घृतम श्रवंता, मधु श्रवंतो पे मृतम श्रवंता। बड़े बाबा
बड़े बाबा आदर्श दिखा। मेला चमेली भव की शैली करके अर्पित हो समर्प हो निजानंद भारी। आत्मा लीना मनस्थीना वंचित बल पाए रे। त्रिनेत्रधारी अक्षयकारी आदिनाथ भगवान देवराज घंटा कड़ महारि दिग देव शौ धर्म देवेंद्र राज भूमि अजी महाराज लक्ष्मी देवी माँ पद्मावती धरने को कटेक्ष माँ मरकुसमानी पाठ जम्मू सहित ओम नाथ गंगा देवी गरुड़ क्षमा मनसी सोम की तुम सोम कृति सोम कृति खगर धरने पद्मावती सहिता तलवल विपाक माए शारीरिक नाश नाए हमलवरियु ममलवरियु रमलवरियु खमलवरियु चमलवरियु शमलवरियु खमलवरु रूमनाथ चकल करंता अधिपति से पाष्णा जिनेन्द्र अवतर उत्तर शंभो शक्ति अमन अत्यति पाष्णा जिनेन्द्र तत्य चिठाठा स्थापनम श्री पाष्णा जिनेन्द्र आत्मम सन्नितो सत् सन्निधि कण परिपुष्पांजलि चिपामि। गंगा का नीरम अति सीरम गंध गहीरम मेल सहि पर कंचन जारी आनन दा धारा करो मन प्रीत लहि कलिकुंड सुयंतम बलकर मंत्र ध्यापत जय भव जन ज्ञानी सब विपद विनाशे सुख पर काशे होवे मंगल सुखदानी। ओम ओम नमो रिंतनम ओम नमो सिद्धानम नमो आयदियानम नमो उज्जानम नमो लोहिस विषाणम ओम शिनाय धनमूल मंत्र नमः महामोहंत कविनाशनाय दीपम निरपामति स्वाहा। ओम शिनाय धनमूल मंत्र नमः आर्यष्टकम नयन धूपम निरपामति स्वाहा। दाता विदाता तुम्ही हो तुम्ही जगत करता रहो अरे हंत प्रभु के चरणों में बंदर बारंबार हो। सिद्धों से बातें करने को नमकार का ध्यान करो सिद्ध चरण की कर वंदना निज आत्म कल्याण करो। ओम ओम नमो सिद्धानाम श्री विजाक्षय नमः सिद्ध परमिष्ठि अर्घम निरपामति स्वाहा। ओम ओम नमो लोय सबिसानम साधु परमिष्ठि जय माला पुनर्घम निरपामति स्वाहा। दिव्य वस्तु दिलाती है दिव्य पिशाच कहलाती है मंत्र आज की शक्ति अनंत लाख 84 मंत्रों का मन में भी रास्ता बनाए आकाश में फूल खिल जाए। ओम ब्रीम ओम नमो अरहंताड़म ओम नमो सिद्धाड़म ओम नमो आयरियाड़म ओम नमो अच्छायाड़म ओम नमो लोहे सब साउड़म मंत्रादि रात्रि सूत्र महामंत्र ओंकार के चरणों में गुरु माँ गणनी हारिका विद्याश्री माँ की ओर से सौधर्म आदि चतुर्णकाय देव नमोकार घंटा करजी महादिदिक देव नमोकार मंद के अधिष्ठाता दिद भई कलिकुंड अधिष्ठाता ऋषि मंडल गर्दन ओमनाथ सीमनाथ कीमनाथ मणिभद्र पद्मावती अम्र कुसुमांडी समझ जिन शासन दिद भई की ओर से अखिल बभु जीवान धन प्रणाच संघ से राष्ट्र बिदन गणीय संघ संघ के प्रभार आश्रम आश्रम के भक्त जनों की ओर से और नमोकार विधान करने करवाने वाले सुनने देखने वालों की ओर से भारत चैनल वालों की ओर से समस्त प्राणी मात के कल्याण के लिए जयमाला पूर्ण अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। समस्त पूजन विधान संपन्न होने के उपरांत पूज्य आरिका रत्न श्री विधाश्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। एकांत में आलस और निद्रा का त्याग करके जब वह आत्म चिंतन का अभ्यास करता है तो आत्मचिंतन का जब अभ्यास हो जाता है तो ज्ञान में उसके वह आत्म स्वरूप शुद्ध आत्मा स्वरूप जैसे जैसे वह अनुभव में आता है वैसे वैसे विषयों से उसे विरक्त पुण्य से प्राप्त हुए पांच इंद्रियों के विषयों से उसे विरक्ति होती चली जाती है जैसे जैसे। तो कहते हैं आत्मा का जब अनुभव हम कैसे समझें कि हमारे आत्मा के अनुभव में वृद्धि हो रही है और हमारे वैराग की वृद्धि हो रही है। तो कल कहा था जब आत्मा का अनुभव होने लगता है ज्ञान में आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है अनुभव होने लगता है तो कहते हैं कि उसे आत्मा में सुख और शांति का अनुभव होता है। उसे आत्मा के सुख और शांति का जब अनुभव होता है तो कहते हैं सबसे पहले उसे भोजन से विरक्ति होती है। कुछ भी मिल जाए खा लेता है भोजन नहीं रुचता। फिर कहते हैं पंच इंद्रियों के जो विषय पंच इंद्रियों के विषयों में जो आसक्ति थी वह भी उसकी छूट चली जाती है। फिर कहते हैं कि जब पंच इंद्रियों के विषयों से आसक्ति चली जाती है बात ऐसी है कि जब कोई को कोई बात जम जाए स्वभाव है व्यक्ति का
जब कोई बात जम जाए तो वो फिर उसी में लग जाता है, फिर बाह्य विषयों से अपने उपयोग को हटाकर उसी में लगा देता है। जब तक उसे आत्मा का ज्ञान नहीं था, जब तक उसे आत्मा का तत्वों का चिंतन में हे उपाधि में उसकी बुद्धि स्थिर नहीं थी, तब तो उसे विषय पंच इंद्रों के विषय अमृत के तुल्य लगते थे, वो उसी में मस्त रहता था। कहते ना, भोगों को अमृत फल जाना, विषयों में निस्दिन मस्त रहा, उसके संग्रह में हे प्रभुवर मैं अस्त त्रस्त अभ्यस्त रहा। कहते हे भगवान, मैं उन्हीं के संग्रह में लगा रहा। जब तक उसे ज्ञान नहीं होता तब तक वह उसी में संलग्न रहता है, और जब उसे आत्मबोध होता है, करे मैं तो आत्मा हूं, ये पंच इंद्रियों के विषय हाँ ये साक्ष वास्तव में दुख के कारण है, सुख के कारण नहीं है। हमें मधुर दिखाई देते हैं लेकिन मधुर होते नहीं है, आकुलता को उत्पन्न करने वाले हैं, दुख को उत्पन्न करने वाले हैं। तो कहते हैं भैया, अनादि पुकाल से रति पूर्वक इसने भोगे हैं भोग, तो कैसे छूट जाते हैं इसके, कैसे से बैराग हो जाता है। तो कहते हैं उसे जब शाश्वत सुख का शाश्वत सुख, जो आत्मा का जो शाश्वत सुख है, उसका जब अवलंबन मिल जाता है तो क्षणिक सुखों से उसे बैराग हो जाता है। और कोई कोई जब रोगी रोग का रोग के लिए औषधि लेता है तो वो कहता कभी रोग को और दवाई को कभी इष्ट नहीं मानता है। ऐसे ही सम्य दृष्टि जब उसे बैराग होता है तो वह चारित्र मोह के ना चारित्र मोह देखता ना दर्शन मोह, वो तो खूंद जाता है और वह दीक्षा ले लेता है। बैराग, ऐसा बैराग हमारे जीवन में उद्भूत हो, ऐसी पवित्र भावना के साथ आज की बात समाप्त करती हूँ। बोलो महावीर भगवान। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की 19वीं कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।